स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपना वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो स्किप मत करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना, ठीक है। तो अभी पिछला वीडियो मैंने एक बनाया था कि आपको फर्स्ट चॉइस किसको करना है, सेकंड चॉइस कौन सी लगानी है, और पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से क्या क्या कर लगाना है। तो उसमें बहुत से लोग कमेंट आ रहे थे सर आप तो SSB में हो, इसलिए SSB को अच्छा बता रहे हो, इसलिए उसको अच्छा बता रहे हो। तो देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सी फोर्स क्या है, मतलब सभी फोर्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और सारी अपनी अपने देश की फोर्स हैं तो सारी लगभग बढ़िया है, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है, कोई वो नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि मतलब कौन सी फोर्स में क्या खूबी है और क्या मतलब आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्या में मतलब कमियाँ हैं, ठीक है। तो फिर डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर किसको लगाना है, सेकंड किसको लगाना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं ऊपर से बात करके चलता हूँ। जैसे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पर लगाई थी NIA, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसकी पोस्ट बहुत सबसे कम NIA की पोस्ट थी हमारी 2018 वाली भर्ती में, लगभग 10 ऐसे कुछ पोस्ट थी NIA की। तो ये मतलब NIA होती है, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी नेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का, मतलब अब जैसे वो पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी NIA ने इन्वेस्टिगेशन की थी, ठीक है। तो NIA एक बहुत ही रेपुटेटेड है, मतलब ऐसा है कि मतलब आपको ज़्यादा मेट्रो सिटी में लगभग दिल्ली विल्ली में ज़्यादा इधर घूमना पड़ेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तंग वाली नौकरी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाई थी SSF। SSF में क्या काम होता है, SSF मतलब लोग स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तो बांग्लादेश की है। SSF के प्रपोर होते हैं सचिवालय सिक्योरिटी बल, ठीक है। सचिवालय की जो मतलब इनको सुरक्षा सौंपी गई है SSF वालों को, और इनका SSF भी बहुत ही अच्छी फोर्स है, क्योंकि सिर्फ आपको दिल्ली में रहना है, बाकी कहीं ज़्यादा जाना नहीं है, और बिना हथियार के इसमें ड्यूटी होती है, ठीक है। 6 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर आपको 18 घंटे का रेस्ट मिलता है, अगर 12 घंटे की ड्यूटी हो तो आपको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, और आपको RSGH मिल जाते हैं, छुट्टियाँ भी इसमें ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। उसके बाद जो मेरी थर्ड थी वो मैंने लगाई थी CISF को। अब आप लोग बोलोगे सर आपने खुद ने तो CISF लगाई थी, हमें बोल रहे हो कि SSB बढ़िया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें मेरे को पहले CISF के बारे में पता नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी खूबी बता रहा हूँ, कमी बता रहा हूँ, फिर डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी फोर्स बनी है। अब CISF है, CISF का क्या काम होता है, जो भी मेट्रो सिटी है मतलब एयरपोर्ट पर एक तो CISF काम होता है। तो एक आपको बता दूं कि आपको भर्ती होती है एयरपोर्ट पे कोई नहीं भेजेगा, ठीक है। दूसरी मेट्रो पे भी CISF होती है, मेट्रो पे आपका नंबर आ सकता है मेट्रो में, ठीक है। उसके बाद कि कहीं भी आप जाते हो, मान लो ये अपने सरकारी संपत्ति है, अनुसंधान है, परमाणु परीक्षण के जो सेंटर है वहाँ पर भी CISF वाले ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और अपने जो बांध बांध होते हैं वहाँ भी CISF होती है, और IAS ड्यूटी में भी जाते हैं, CISF के जो इलेक्शन ड्यूटी होती है उसमें CISF में जाते हैं। तो CISF में लोग बोलते हैं कि सर सैलरी कितनी है, CISF में भाई एयरपोर्ट पे मेट्रो पे कोई अलाउंस नहीं है, वहाँ पे 0 अलाउंस आपको मिलता है, सैलरी काफ़ी कम होती है CISF की, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। दूसरी CISF में छुट्टी बताऊँ आपको, तो छुट्टी 30 दिन की AL है, 15 दिन की CL है, लेकिन आपको 13 महीने का वेतन मिलता है। तो 1 महीने का वेतन मिलता है, वो आपको सिर्फ बेसिक पे मिलेगा उसमें, और आपको HR कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं बात करता हूँ SSB की। अब SSB की आपको खूबी बता दूँ, SSB का काम होता है भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पे। जैसे अभी हम सिक्किम में, तो यहाँ भारत भूटान बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ हमारी लगभग 6 घंटे ड्यूटी होती है, 18 घंटे रेस्ट होता है, कई बार 8 घंटे ड्यूटी आ जाती है, ठीक है। और कहीं प्लेन एरिया में होते हैं, मतलब समतल एरिया में, तो वहाँ पे 8 घंटे की होता है, कहीं 9 घंटे की ऐसी हो जाती है। लेकिन अब SSB में मतलब सैलरी कितनी क्या होती है, देखो हमारा हाईएस्ट अलाउंस है 23,300, जैसे यहाँ हमारा अलाउंस है 23,300, ठीक है। 23,300 अलाउंस है, जो कि CISF के बाद CISF वालों और SSB वालों में कितना अंतर है। अब CISF को बेसिक पे, हमारा बेसिक पे बराबर है, HRA बराबर है, DA बराबर है, ठीक है, लगभग सब चीज़ बराबर है, TPT सब चीज़ बराबर है। अब उनका देखो रिस्क अलाउंस 0, हमारा 23,300, फर्क कितना। अगर मान लो वो 40,000 जहाँ ले रहे हैं तो वहाँ हमारी सैलरी कितनी होगी, 63,300। तो ये अंतर मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इस मामले में CISF से बढ़िया SSB। और दूसरी चीज़ छुट्टी, छुट्टी देखो हमें यहाँ मान लेते हैं कि संडे वनडे नहीं मिलता है, कि हम घर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अभी हमें देखो उनको वहाँ मिलते 30 दिन की L, हमें मिलती है 60 दिन की, ठीक है। 30 दिन की छुट्टी का फ़र्क है, ठीक है।
और SSB में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि, और SSB में ऐसी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है आउट ड्यूटी, कहीं भी आप बाहर जाओगे इलेक्शन में कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो गया तो आपको आउट ड्यूटी मिलेगी। जैसे अभी यहाँ जो अमरनाथ यात्रा होती है उसमें भी SSB जाती है, तो वहाँ भी आपका मतलब पर डे का 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद जो मतलब मेरे को जो अच्छी पोस्ट लगती है उसका नाम वो मंगवाता था वहाँ को ITUP। अब ITUP की बात करेंगे तो ITUP सेम SSB की तरह, जैसे SSB भारत नेपाल भारत भूटान बॉर्डर पे, वैसे ITUP का काम है चाइना बॉर्डर पे, और सेम SSB की तरह उसमें भी 23,300 हाईएस्ट अलाउंस है ITUP का चाइना बॉर्डर पे उधर। लेकिन ITUP थोड़ी SSB से ज़्यादा तंग रहती है, मतलब थोड़ी बर्फ़ वर्फ में ज़्यादा रहना पड़ता है उनको, और चाइना बॉर्डर पे रहते तो आप समझ सकते हो थोड़ी हार्ड ड्यूटी होती है SSB तुलना में उनकी। लेकिन वही इलेक्शन में भी वो हमारे इधर जाते हैं, उनको भी 500 रुपीज़ पर डे के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ITUP में भी हाइस्ट 23,300 अलाउंस है, सब कुछ लगभग सेम SSB के बराबर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ असम राइफल BSF, BSF की बात करते हैं। BSF का जैसे हमारा भारत नेपाल भूटान बॉर्डर है, उनका भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर है, ठीक है। BSF, लेकिन BSF में जो प्लस पॉइंट वो लगता है सबसे बढ़िया कि जैसे आपको आपके अगर परेड वरेड अच्छी है तो आपको वाघा बॉर्डर पर भी आपको मौका मिल सकता है, जहाँ पे मतलब पूरे देश के विदेश के भी लोग आते हैं परेड ड्रिल देखने के लिए, तो वहाँ आपको मौका मिल सकता है अगर आपकी परेड वेड अच्छी है, शरीर अच्छा है, हाइट वाइट अच्छी है, तो ये प्लस पॉइंट है। और उनका भी हाईएस्ट अलाउंस 23,300 पैरामिलिट्री में लगभग सब सेम है हाईएस्ट अलाउंस, तो ठीक है इस मामले में BSF भी, लेकिन BSF की ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ा टफ एरिया पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर पर जो राजस्थान में उधर है, तो आप मान के चलो ये SSB से थोड़ी टफ पड़ती है। उसके बाद नंबर आता है BSF का असम राइफल। असम राइफल पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं लगभग, और इसमें आपको आर्मी वाली से अगर किसी भाई को अगर आर्मी का शौक है तो आर्मी वाली फीलिंग आपको पूरी असम राइफल मिलेगी। आर्मी वाले आपको ट्रेनिंग कराएंगे, लगभग कैंटीन वेंटीन सुविधा भी आपको आर्मी की मिल जाएगी, लेकिन NPS आपको मिलेगा, ओल्ड पेंशन सिस्टम इसमें नहीं है आर्मी की तरह। लेकिन असम राइफल भी बहुत बढ़िया है, असम राइफल आपको लगभग ज़्यादातर असम वाले इधर इधर के लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ का अगर कोई तो उसके लिए मैं असम राइफल आपको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ CRPF। अब मैं हमेशा बोलता हूँ CRPF को मैंने सबसे नीचे क्यों रखा है, देखो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो CRPF में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी CRPF में होती है, क्योंकि लगभग इसी बटालियनों में 23,300 आपको अलाउंस मिल जाएगा। अगर आप JNK में हो तो आपको वेली अलाउंस यहाँ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, CRPF को हमारी तरह DA नहीं होता, जैसे अगर वो कहीं इलेक्शन में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो पर डे का 500 CRPF वालों को नहीं मिलता, ये वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब उसको रिजर्व में रखेंगे उसको कहीं भी भेज सकते हैं, उसका काम भी है कहीं भी, हमारा काम है भारत नेपाल भूटान बॉर्डर, उसको छोड़ के हम कहीं हो जाते हैं तो हमें मिलता है, उनका काम है उनको कहीं भी भेज सकते हैं, तो ये उनके लिए नुकसान है, ठीक है। और ज़्यादातर नक्सलाइट एरिया में भी CRPF रहती है, और सबसे ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ CRPF को आप सबसे लास्ट में रखो। यानी वो अब जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको कोबरा कमांडो पसंद है, कमांडो में जाना ज़्यादा पसंद है, उनके लिए CRPF बहुत बढ़िया जॉब है, CRPF सबसे बेस्ट है उनके लिए। इसलिए बोलता हूँ सबको अलग अलग मतलब अपनी अपनी जगह सब फोर्स बहुत बढ़िया है, बेहतर है। मैं किसी फोर्स को कोई मतलब ये नहीं बोल रहा कि वो ख़राब हुआ है, SSB में हो तो इसलिए SSB बेस्ट है, मैंने सब फोर्स के बारे में आपको बताया, तो आप खुद चॉइस करो, खुद चूज करो कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, उसको फर्स्ट पे रखो जैसे जैसे आपका। और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा जिस पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी है उसको आप फर्स्ट पे रखोगे तो ही आपको वो मिलेगी, जिसमें कम वैकेंसी जो आपको पसंद है ना उसको रखो फर्स्ट आप, ठीक है। चाहे उसमें वैकेंसी कितनी भी वैकेंसी हो मत देखो, आप जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसको रखो फर्स्ट, ठीक है। और सबकी मैंने खूबी बता दी आपको, अब देख लो आपको कौन सी क्या पोस्ट प्रेफरेंस में किसको क्या बढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।